कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने अभी तक जितने भी मेडल जीते और आगे जितने भी जीतने वाले उनके लिए भी मैं अभी से हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। क्या आप जानते हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्यों होता है और क्यों बड़ी कंट्रियां यूएसए, चाइना, जापान इसमें पार्ट नहीं लेती हैं? क्या सच में कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक गेम्स अभी पुराना है? इस वीडियो में सबको जानने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे चैनल वीडियोस कंटिन्यूअसली पोस्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। 1891 में एशले कूपर ने टाइम्स न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट देकर बताया था कि एक पूरी दुनिया में कॉन्टेस्ट होना चाहिए जो कि पूरा ब्रिटिश एम्पायर पैन कॉन्टेस्ट होना चाहिए, और जितने भी ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनीज उस टाइम थे या रह चुके थे उन सभी को इसमें पार्ट लेना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, आपस में एक रिलेशन बनाना चाहिए, थ्रू स्पोर्ट्स इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। मगर इसके बाद में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में ग्रीस में स्टार्ट हो गए, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की बात बिल्कुल साइडलाइन हो गई अंटिल 1928 जब एम्स्टरडेम में ओलंपिक गेम्स हो रहा था और वहां पे कुछ अनोखा देखने को मिला। एम्स्टरडेम ओलंपिक्स 1928 में जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे वहां पे एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिली कि सभी के पीछे कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करता था और आपस में वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते थे, जिसके कारण उनके बीच में एक फ्रेंडली बिहेवियर आ गया और यहीं से फिर से जन्म हुआ, एक नया रीबॉर्न हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स को स्टार्ट करने का। चूंकि ओलंपिक्स गेम में ये चीज पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां पे सारी दुनिया के जितने भी कंट्रीज होते हैं वो पार्ट लेते हैं और वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि हर जगह की एक नई नेशनलिटी और लैंग्वेज हुआ करती थी, इसलिए इसको एक बहुत ही नए तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर के तौर में देखा गया और इसलिए काफी टाइम तक से फ्रेंडली गेम्स भी माना जाता है। 1930 में फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को स्टार्ट किया गया इन कनाडा और कंटिन्यूअसली कनाडा उसके बाद हर चार साल के बाद होस्ट किया करता, जिसके कारण एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला कॉमनवेल्थ गेम्स को और जितने भी प्लेयर्स वहां पे जाया करते उनको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती थी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, इसलिए इसका एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया था इन 1930। लेकिन उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हो पाए। इनिशियली कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, उसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का नाम दिया गया, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम दिया गया, उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया, लेकिन अल्टीमेटली 1978 में इसको एक सिंगल टाइटल दिया गया, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग ऑन आफ्टर एवरी फोर इयर्स इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में कंटिन्यूसली होते जा रहा है। बट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि क्यों अमेरिका जैसे बड़े कंट्रीज, जापान जैसे बड़े कंट्रीज पार्ट नहीं लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनिशियली यूएसए भी एक कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का, लेकिन उसको डेमोक्रेसी 18th सेंचुरी में मिल चुकी थी, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टार्ट होने की बातें भी 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, इसलिए यूएसए ने उसमें पार्ट लेना सही नहीं समझा क्योंकि उस टाइम तक उसके पास इतना ज्यादा वेल्थ और इतना पावरफुल इकोनॉमी तैयार हो चुका था कि वो एक सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे था। यूएसओ को ऐसा लगता है कि अगर वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लेगा तो फिर सभी लोगों को फिर से एक बात याद आ जाएगी कि यूएसए भी एक टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, जिसको वो बिल्कुल भी अपने इतिहास से रब कर देना चाहते हैं, लोगों के मेमोरी में चीज डालना नहीं चाहते क्योंकि आज यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल नेशन है। चाइना और जापान कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं था, इसीलिए उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट लेने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं नजर आती है। तो क्या इंडिया को भी यूएसए के तरह कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करना चाहिए और वहां पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ओलंपिक गेम्स खेलना चाहिए? इसके पीछे थोड़ा सा और अगर बैकवर्ड जाकर सोचे तो हम लोग अभी यूएसए जितने पावरफुल नेशन नहीं है, और एक वो बात कहते हैं ना कि जिसने आपको हमेशा दबा के रखा है उसके सामने जाके अपने पावर का शो ऑफ करने में जो मजा आता है उसका अलग ही आनंद है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स में जाए और बहुत अच्छा करे, जो कि साल कर भी रहा है और हर साल करता है। होपिंग दैट की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई और मैं सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पाया विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करो, क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे चैनल वीडियोस कंटिन्यूअसली पोस्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, यू कैन चेक माय चैनल आर्ट आल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, शेयर टू योर कंट्री। थैंक यू।